जय हिंद साथियों, 8 बज चुके हैं। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है, हर शाम 8 बजे इंडियन आर्मी स्टूडियो चैनल पर लाइव क्लास होता है। तो आज भी एकदम शानदार सा क्वालिटीदार धमाकेदार लाइव क्लास होगा, जिसमें आप लोगों से 50 क्वेश्चन आज मैं डिस्कस करूंगा, जिसमें पूरा होगा जीके और जीएस पूरा मिक्स। तो आज का जो आपका टारगेट है, कम से कम आपको इस टेस्ट में 40 का सही जवाब देना है, क्योंकि ये जो होगा वो आपका रिविजन टेस्ट होगा। तो आज का वीडियो बहुत ही शानदार होगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, आपसे एक लास्ट में क्वेश्चन भी पूछा जाएगा। तो बढ़ेंगे आज के फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन पूछा है, विच सिटी ड्रॉपेड द फर्स्ट एटॉमिक बम इन जापान, यानी कि जापान में किस शहर पर पहला परमाणु बम गिराया गया था। जल्दी से सभी साथी इस क्वेश्चन का लाइव चैट में आंसर बताइएगा। तो जापान में पहला परमाणु बम जो गिराया गया था वो हिरोशिमा में गिराया गया था, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे साथी लोग ऑप्शन भी बताए हैं उनका एकदम राइट है। और दूसरा जो गिराया गया था वो नागासाकी में गिराया गया था, इसको भी ध्यान में रखिएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ गया था कि जापान में पहला परमाणु बम कब गिराया गया था, तो हिरोशिमा में गिराया गया था 6 अगस्त 1945 में गिराया गया था, इसको भी ध्यान में। तो बढ़ेंगे दो नंबर क्वेश्चन को। दो नंबर क्वेश्चन में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछा है, वेयर इज विवेकानंद रॉक मेमोरियल लोकेटेड, यानी कि विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहां पर स्थित है, जल्दी से बताइएगा। तो विवेकानंद रॉक मेमोरियल जो स्थित होता है वो तमिलनाडु में स्थित होता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे फौजी भाई लोग ऑप्शन भी बताए हैं उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे तीन नंबर क्वेश्चन की ओर। तीन नंबर क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन पूछा है, इन विच स्टेट इज द सन टेंपल लोकेटेड, यानी कि सूर्य मंदिर जो है वो किस राज्य में स्थित है, जल्दी से बताइएगा। सूर्य मंदिर जो होता है वो कहां पर स्थित होता है, तो सूर्य मंदिर जो स्थित होता है मेरे साथी लोग, जो ऑप्शन नंबर डी उड़ीसा बताए हो उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे चार नंबर क्वेश्चन की ओर। चार नंबर क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है, हु इज द इंडियन नोन एज फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। जल्दी से सभी फौजी भाई लोग इस क्वेश्चन का लाइव चैट में आंसर बताएगा, क्योंकि कल क्वेश्चन मैंने ये करवा दिया था। तो भारतीय संविधान के जनक जो कहा जाता है वो किसे कहा जाता है, तो भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है, यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर मेरे फौजी भाई लोग ऑप्शन भी बताए हैं उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे पांच नंबर क्वेश्चन की ओर। पांच नंबर क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन पूछा है, हु इज कॉल्ड द सिटी ऑफ लेक्स, यानी कि किसे झीलों का शहर कहा जाता है, जल्दी से बताइएगा। तो झीलों का शहर जो कहा जाता है वो उदयपुर को कहा जाता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। तो बढ़ेंगे छह नंबर क्वेश्चन की ओर। छह नंबर क्वेश्चन पूछा है, हीराकुंड डैम इज ऑन विच रिवर, यानी कि हीराकुंड बांध जो है वो किस नदी पर है, जल्दी से बताइएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। तो हीराकुंड बांध जो होता है वो कहां पर होता है, तो महानदी पर स्थित होता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे फौजी भाई लोग ऑप्शन सी बताए हैं उनका एकदम राइट है। अगर आप लोगों को मैं बता देता हूं कि हीराकुंड बांध जो होता है वो उड़ीसा राज्य में स्थित होता है, इसको भी ध्यान में रखना है। तो बढ़ेंगे सात नंबर क्वेश्चन की ओर। सात नंबर क्वेश्चन पूछा है, पन्नालाल घोष इज रिलेटेड टू विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, यानी कि पन्नालाल घोष जो है वो किस वाद्य यंत्र से संबंधित है, जल्दी से बताइएगा कि पन्नालाल का संबंध जो है वो किस वाद्य यंत्र से है। तो पन्नालाल घोष का जो मतलब कि संबंध है वो किससे है, तो बांसुरी से, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे साथी लोग ऑप्शन सी बताए हैं उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे आठ नंबर क्वेश्चन की ओर। आठ नंबर क्वेश्चन बोलने से पहले मैं बता देता हूं कि आज हम लोग पूरा ऑप्शन वाइज डिस्कस नहीं कर पाएंगे मेरे भाई, क्योंकि 50 क्वेश्चन है, अगर मैं चारों को डिस्कस करने लगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, इसी कारण आज मैं ऑप्शन वाइज डिस्कशन नहीं कर पाऊंगा। तो पूछा है आठ नंबर क्वेश्चन, कथक इज अ फोल्क डांस ऑफ विच स्टेट, यानी कि कथक जो होता है वो किस राज्य का लोक नृत्य होता है, जल्दी से बताएगा कि कथक जो है किस राज्य का लोक नृत्य है। तो कथक जो होता है वो यूपी का होता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे साथी लोग ऑप्शन ए बताए हैं उत्तर प्रदेश उनका एकदम राइट है, और कथकली जो होता है वो केरला का होता है, इसको भी ध्यान में रखना है। तो बढ़ेंगे 9 नंबर क्वेश्चन को। 9 नंबर क्वेश्चन भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछा है, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ रशिया, यानी कि रूस के संसद का नाम क्या है, आप लोगों को बताना है। तो रूस के संसद का जो नाम जो होता है वो क्या होता है, तो ड्यूमा होता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे फौजी भाई लोग ऑप्शन डी बताए हैं उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 10 नंबर क्वेश्चन को। 10 नंबर क्वेश्चन पूछा है, वेयर इज द इंपीरियल पैलेस लोकेटेड, यानी कि इंपीरियल पैलेस कहां पर स्थित होता है, जल्दी से बताएगा। तो इंपीरियल पैलेस जो स्थित होता है वो टोक्यो में स्थित होता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे फौजी लोग ऑप्शन भी बताए हैं उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 11 नंबर क्वेश्चन की ओर। 11 नंबर क्वेश्चन भी एकदम शानदार सा क्वेश्चन पूछा है, वेयर वाज द रूलर ऑफ टीपू सुल्तान, यानी कि टीपू सुल्तान कहां का शासक था, जल्दी से बताएगा कि टीपू सुल्तान जो था वो कहां का शासक था। तो टीपू सुल्तान जो था वो मैसूर का शासक था, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे फौजी भाई लोग ऑप्शन सी बताए हैं उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 12 नंबर क्वेश्चन की ओर। 12 नंबर क्वेश्चन पूछा है, हु वाज द फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर ऑफ
इंडिया यानी कि भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे, जल्दी से बताएगा कि भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे। तो भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त से वो सुकुमार सेन थे, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे साथी लोग ऑप्शन डी बताए हैं उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 13 नंबर क्वेश्चन की ओर। 13 नंबर क्वेश्चन एकदम शानदार सा क्वेश्चन पूछा है, वेयर इज इंडियन नेवी डे सेलिब्रेटेड, यानी कि भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है। तो भारतीय नौसेना दिवस जो मनाया जाता है वो 4 दिसंबर को मनाया जाता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे साथी लोग ऑप्शन ए बताए हैं उनका एकदम राइट है। और जैसे कि आप सभी लोगों को पता होगा कि थल सेना दिवस जो मनाया जाता है वो 15 जनवरी को मनाया जाता है, इसको भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो बढ़ेंगे 14 नंबर क्वेश्चन की ओर। 14 नंबर क्वेश्चन पूछा है, हु डिजाइन द करेंट इंडियन नेशनल फ्लैग, यानी कि वर्तमान में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रचना किसने की थी, जल्दी से बताइएगा। तो वर्तमान में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की जो रचना किया गया था वो पिंगली वेंकैया के द्वारा किया गया था, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे फौजी भाइयों लोग ऑप्शन सी बताया है उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 15 नंबर क्वेश्चन की ओर। 15 नंबर क्वेश्चन पूछा है, इन बांग्लादेश बाय विच नेम गंगा इज नोन, यानी कि बांग्लादेश में गंगा को किस नाम से जाना जाता है, आप लोगों को बताना है। तो बांग्लादेश में गंगा को जो जाना जाता है वो पद्मा के नाम से जाना जाता है, यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। बढ़ते हैं 16 नंबर क्वेश्चन की ओर। 16 नंबर क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन पूछा है, इज द प्लेयर गिवन फॉर इमीडिएट एनर्जी, यानी कि तत्काल ऊर्जा के लिए खिलाड़ी को क्या दिया जाता है, जल्दी से बताइएगा। तो तत्काल ऊर्जा के लिए खिलाड़ी को जो दिया जाता है वो कार्बोहाइड्रेट दिया जाता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे फौजी भाई लोग ऑप्शन सी बताए हैं उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 17 नंबर क्वेश्चन की ओर। 17 नंबर क्वेश्चन भी एकदम शानदार सा क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है, विच काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट डू नॉट अलाउ लाइट टू पास थ्रू, यानी कि किस प्रकार की वस्तुएं प्रकाश को आर पार नहीं होने देती है, जल्दी से बताइएगा। तो वो वस्तुएं जो होती है वो पारदर्शी होती है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे साथी लोग ऑप्शन यानी कि अपारदर्शी बताए हैं उनका एकदम राइट है, और जो आर पार होने देती है उसे पारदर्शी कहते हैं, इसको भी ध्यान में रखना है। तो बढ़ेंगे 18 नंबर क्वेश्चन की ओर। 18 नंबर क्वेश्चन पूछा है, विच एलिमेंट इज नेसेसरी टू कीप टीथ हेल्दी, यानी कि दांतों को स्वस्थ रखने के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है, जल्दी से बताइएगा। तो दांतों को स्वस्थ रखने के लिए जो तत्व आवश्यक है वो कैल्शियम होता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। तो बढ़ेंगे 19 नंबर क्वेश्चन की ओर। 19 नंबर क्वेश्चन एकदम शानदार सा क्वेश्चन पूछा है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक मेघदूत, यानी कि मेघदूत पुस्तक के लेखक कौन है, आप सभी लोगों को इसका भी लाइव चैट में बताना है, क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। तो मेघदूत पुस्तक के जो लेखक होते हैं वो कालिदास होते हैं, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। तो बढ़ेंगे 20 नंबर क्वेश्चन की ओर। 20 नंबर क्वेश्चन बोलने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि आप लोगों ने बहुत सारा कॉल और मैसेज सर के नंबर पर किया था कि सर हमको पेड वाला पीडीएफ चाहिए, यानी कि जो पैसा वाला पीडीएफ होता है वो मैं आप लोगों से लेना चाहता हूं। तो देखो यार, उसी हिसाब से मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि आप लोगों को पेड पीडीएफ कैसे मिलेगा। आपको जो स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है उस पर 50 रुपए पेमेंट करना है। कितना? 50, ओनली 450। इतना कम में मेरे भाई कोई पीडीएफ नहीं देता है मेरे भाई। तो 50 रुपए आप लोगों को गूगल पे, फोन पे या पेटीएम के जरिए 50 रुपए पेमेंट करके उस पेमेंट का स्क्रीन शॉट लेकर के इसके व्हाट्सएप पर सेंड कर देना है, आपको एकदम जल्दी ही पीडीएफ मिल जाएगा मेरे भाई। आपको थोड़ा देर 24 घंटे इंतजार करना है, क्योंकि वो सर जो है कि फौज का ड्यूटी करते हैं तो इसी कारण थोड़ा सा लेट हो सकता है। तो आप लोग मैनेज कर लेना। अगर आप लोग पीडीएफ लेते हो और पूरा ईमानदारी से पढ़ते हो तो आपका 45+ कोई नहीं रोक सकता मेरे भाई। ये जो पीडीएफ होगा वो जीडी और ट्रेड्समैन वाले बच्चे के लिए होगा। तो अगर आप लोग लेकर के पीडीएफ पूरा ईमानदारी से पढ़ते हो तो 45+ कोई बाहर नहीं जाएगा मेरे भाई। आप जितना जल्दी लोगे मेरे भाई आपका उतना ही फायदा होगा। अगर आप लोगों को लेना है, मैं इंटरेस्ट हो तो कोई फोर्स नहीं है मेरे भाई। अगर आप लोगों को लेना है तो आप इस नंबर 50 रुपए जरूर पेमेंट करके आप लोग पीडीएफ ले सकते हो। तो ये पीडीएफ बहुत ही शानदार होगा। अगर आप लोग पूरा ईमानदारी और जोश और जुनून के साथ उस पीडीएफ को पढ़ कर जाते हो तो आपका 45+ मैं बोलता हूं मेरे भाई कोई नहीं रोक सकता। आपको इतना सारा मटेरियल मिल जाएगा कि आप सोच भी नहीं सकते हो। तो देखिए, अगर आप लोगों को इंटरेस्ट है तो आप लोग जरूर इस 50 रुपए वाला पीडीएफ जरूर ले लेना। तो 20 नंबर क्वेश्चन में एकदम शानदार सा क्वेश्चन पूछा है, नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन, यानी कि रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी से होता है। आप लोगों को इस क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। आप लोगों को कमेंट बॉक्स में इसका राइट आंसर बताना है। तो बढ़ेंगे 21 नंबर क्वेश्चन की ओर। 21 नंबर क्वेश्चन में एकदम शानदार सा क्वेश्चन पूछा है, डाइजेशन ऑफ फूड स्टार्ट, यानी कि भोजन का पाचन कहां से शुरू होता है, आप लोगों को बताना है। तो भोजन का पाचन जो शुरू होता है वो कहां से होता है, वो मुख से शुरू होता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे फौजी भाई लोग ऑप्शन डी बताए हैं उनका एकदम राइट है। और जो होता है वो पचता है कहां पर, वो तो पचता है वो छोटी आंत में पचता है, इसको भी ध्यान में रखना है। तो बढ़ेंगे 22 नंबर क्वेश्चन की ओर। 22 नंबर क्वेश्चन भी एकदम शानदार सा क्वेश्चन पूछा है, व्हाट कॉज एसिड रेन, यानी कि अम्ल वर्षा किस कारण होती है, जल्दी से बताइएगा। तो अम्लीय वर्षा जो होता है वो हवा में हानिकारक गैसों के कारण से होता है, इसको ध्यान में रखना है। तो बढ़ेंगे 23 नंबर क्वेश्चन की ओर। 23 नंबर क्वेश्चन पूछा है, व्हाट इज द यूनिट टू मेजर नॉइज पोल्यूशन, यानी कि ध्वनि प्रदूषण मापने की इकाई क्या है। आप लोगों को बताना है कि ध्वनि प्रदूषण मापने की इकाई क्या है। तो ध्वनि प्रदूषण जो मापा जाता है वो डेसिबल से नापा जाता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। तो बढ़ेंगे 24 नंबर क्वेश्चन की ओर। 24 नंबर क्वेश्चन पूछा है, निम्न
में से कौन सा पौधा जो होता है वो कीट भक्षी होता है, जल्दी से बताया कीट भक्षी कौन सा पौधा होता है निम्न में से। तो कीट भक्षी जो पौधा होता है वो घटपर्णी होता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे साथी लोग हैं ऑप्शन भी बताया है उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 25 नंबर क्वेश्चन की, और 25 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस निकलती है, जल्दी से बताइएगा। तो प्रकाश संश्लेषण में जो होता है वो ऑक्सीजन गैस निकलता है, और जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो ग्रहण करता है, यानी कि प्रकाश संश्लेषण में जो होता है वो ऑक्सीजन गैस निकलता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। तो बनेंगे 26 नंबर क्वेश्चन की, और 26 नंबर क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज द मेन गवर्नमेंट ऑर्गन इन ह्यूमंस, यानी कि मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग क्या है, आप लोगों को बताना है कि मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग क्या है। तो मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग जो होता है वो फेफड़ा होता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। तो बनेंगे 27 नंबर क्वेश्चन की, और 27 नंबर क्वेश्चन में एकदम शानदार सा क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज द स्टडी ऑफ ग्रासेस, यानी कि घासों का अध्ययन किसमें किया जाता है, जल्दी से लाइव चैट में इसका राइट आंसर बताइएगा कि घासों का अध्ययन किसमें किया जाता है। तो घासों का अध्ययन जो किया जाता है वो एग्रोस्ट्रोलॉजी में किया जाता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। तो बनेंगे 28 नंबर क्वेश्चन की, और 28 नंबर क्वेश्चन पूछा है यूज्ड इन सोलर कुकर, यानी कि सोलर कुकर में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है, आप लोगों को मिरर का प्रयोग किया जाता है, आप लोगों को बताना है। तो सोलर कुकर में जो किया जाता है वो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे साथी लोग ऑप्शन भी बताए हो उनका एकदम राइट है। तो बनेंगे 29 नंबर क्वेश्चन की, और 29 नंबर क्वेश्चन पूछा है विच एसिड इज फाउंड इन टैमरिंड, यानी कि इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, जल्दी से बताएगा कि इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, जल्दी से सभी फौज भाई लोग इसका भी लाइव चैट में आंसर बताएगा। तो इमली में जो होता है वो टार्टरिक एसिड पाया जाता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। तो बढ़ेंगे 30 नंबर क्वेश्चन की, और 30 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है, जल्दी से पढ़िए और इसका लाइव चैट में आंसर बताइए। पूछा है कि व्हाट इज द ब्लड प्रेशर ऑफ अ हेल्दी ह्यूमन, यानी कि एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है, जल्दी से बताइएगा। तो एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप जो होता है 120/80 का होता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। तो बनेंगे 31 नंबर क्वेश्चन की, और 31 नंबर क्वेश्चन बोलने से पहले आप सभी भारतीय सेना से रिक्वेस्ट है अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर देना मेरे भाई, क्योंकि आप लोग कितनी मेहनत कर रहे हैं, आपको इस क्लास का बिल्कुल फ्री में पीडीएफ मिल रहा है, तो यार जल्दी से वीडियो को लाइक कर देना। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग जल्दी से वीडियो को लाइक कर दिए होंगे। तो देखिए 31 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि वेयर आर द जनता केव्स लोकेटेड, यानी कि अजंता की गुफाएं कहां स्थित होती है। तो अजंता की गुफा जो होता है वो औरंगाबाद में स्थित होता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे फौजी साथी लोग ऑप्शन डी बताए हैं उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 32 नंबर क्वेश्चन की, और 32 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि IMA इंडियन, यानी कि इंडियन मिलिट्री एकेडमी कहां पर स्थित होता है, जल्दी से बताइएगा। तो इंडियन मिलिट्री एकेडमी जो स्थित होता है वो देहरादून में स्थित होता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। तो बढ़ेंगे 33 नंबर क्वेश्चन की, और 33 नंबर क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज द सिटी ऑफ गार्डन्स कॉल्ड, यानी कि बगीचों का शहर किसे कहा जाता है, जल्दी से मेरे सभी फौजी साथी लोग इस क्वेश्चन का लाइव चैट में आंसर बताइएगा। तो बगीचों का शहर जो कहा जाता है मेरे भाई लोगों बेंगलुरु को कहा जाता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे फौजी भाई लोग ऑप्शन बी बताए हैं उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 34 नंबर क्वेश्चन की, और 34 नंबर क्वेश्चन पूछा है हु इन्वेंटेड द टेलीस्कोप, यानी कि टेलीस्कोप का आविष्कार किसने किया था। तो टेलीस्कोप का आविष्कार जो किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था, तो गैलीलियो के द्वारा किया गया था, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे साथी लोग ऑप्शन ए बताए हैं उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 35 नंबर क्वेश्चन की, और 35 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि मादा एनफ्लिज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है, जल्दी से बताइए कि मादा एनफ्लिज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है। तो मादा एनफ्लिज मच्छर के काटने से जो होता है वो मलेरिया रोग होता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। तो बढ़ेंगे 36 नंबर क्वेश्चन की, और 36 नंबर क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज हाई इन एग व्हाइट, यानी कि अंडे के सफेद भाग में अधिक मात्रा में क्या होता है। क्वेश्चन मैंने कितनी बार करवा चुका हूं, जल्दी से बताइएगा कि अंडे के सफेद भाग में क्या होता है। तो अंडे के सफेद भाग में जो होता है मेरे साथी लोगों प्रोटीन होता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे साथी लोग ऑप्शन डी बताया है उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 37 नंबर क्वेश्चन की, और 37 नंबर क्वेश्चन में एकदम शानदार सा क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज द प्योरिटी ऑफ गोल्ड मेजर्ड, यानी कि मतलब कि सोने की शुद्धता जो होता है वो किस में नापी जाती है, जल्दी से बताइएगा कि सोने की शुद्धता जो होता है वो किस में नापा जाता है। तो सोने की शुद्धता जो होता है वो कैरेट में नापा जाता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। तो बढ़ेंगे 38 नंबर क्वेश्चन की, और 38 नंबर क्वेश्चन में पूछा है व्हाट इज द एक्टिव पार्ट ऑफ एयर, यानी कि वायु का सक्रिय भाग क्या है, जल्दी से बताइए कि वायु का सक्रिय भाग क्या होता है। तो वायु का सक्रिय भाग जो होता है वो ऑक्सीजन होता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। तो बढ़ेंगे 39 नंबर क्वेश्चन की, और 39 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय किस शहर में स्थित होता है, यानी कि इन विच सिटी इज द हेडक्वार्टर ऑफ द
यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय जो होता है वो कहां पर स्थित होता है, तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय जो स्थित होता है वो न्यूयॉर्क में स्थित होता है। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना कब हुआ था, तो इसका स्थापना जो हुआ था वो 24 अक्टूबर 1945 में, कब 24 अक्टूबर 1945 में हुआ था, इसको भी ध्यान में रखना है। तो बढ़ेंगे 40 नंबर क्वेश्चन को। 40 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि हु कंपोज द नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम, यानी कि वंदे मातरम की रचना किसने की थी, आप लोगों को बताना है। तो वंदे मातरम की रचना जो किया गया था वो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा किया गया था। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। तो बढ़ेंगे 41 नंबर क्वेश्चन को। 41 नंबर क्वेश्चन पूछा है प्रवासी भारतीय दिवस इज सेलिब्रेटेड, यानी कि प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है, जल्दी से बताएगा कि प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है। तो प्रवासी भारतीय दिवस जो मनाया जाता है वो 9 जनवरी को मनाया जाता है। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे साथी लोग ऑप्शन डी बताए हैं उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 42 नंबर क्वेश्चन को। 42 नंबर क्वेश्चन पूछा है इन विच स्टेट इज द थार रेजिडेंट, यानी कि लोकेट, यानी कि थार मरुस्थल जो होता है वो किस राज्य में स्थित होता है, जल्दी से बताएगा क्योंकि मैं थोड़ा क्लास फास्ट लगा रहा हूँ क्योंकि 50 क्वेश्चन करवाना है मेरे भाई, जल्दी से जल्दी करवाना है क्योंकि आप लोगों का एग्जाम एकदम नजदीक है, इसी कारण मैं थोड़ा सा फास्ट करा रहा हूँ। तो आप लोग थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हो मेरे भाई, क्योंकि आप लोगों का जो मैं ज्यादा टाइम बर्बाद नहीं करना चाहता, मेरा यही मोटो है, आप लोग जानते हो। तो जल्दी से बताएगा 42 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो थार मरुस्थल जो होता है वो राजस्थान में होता है। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे साथी लोग ऑप्शन ए बताए हैं उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 43 नंबर क्वेश्चन की ओर। 43 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि हु फाउंडेड मुगल डायनेस्टी इन इंडिया, यानी कि भारत में मुगल राजवंश की स्थापना किसने की थी, आप लोगों को बताना है। तो भारत में मुगल राजवंश की स्थापना जो किया गया था वो बाबर के द्वारा किया गया था। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। तो बढ़ेंगे 44 नंबर क्वेश्चन की ओर। 44 नंबर क्वेश्चन बोलने से पहले फिर आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर देना प्लीज यार, एक के कम से कम 1000 लाइक इस वीडियो पर रहना चाहिए मेरे भाई। तो आप लोगों से उम्मीद करता हूं कि आप लोग जरूर से 1000 लाइक पूरा कर दोगे, और आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूं मेरे भाई, हाथ जोड़ करके कि आप लोग जरूर से जरूर वीडियो को शेयर करो, हर जगह वीडियो को शेयर कर देते हो। देखिए यार, वीडियो को हर जगह शेयर करोगे तभी मेरे पास न्यू बंदे आएंगे, तो प्लीज हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है आप लोग वीडियो को हर जगह शेयर कर देना। तो 44 नंबर क्वेश्चन पूछा है इंस्ट्रूमेंट टू मेजर एन अर्थक्वेक, यानी कि भूकंप को मापने का साधन क्या है, आप लोगों को बताना है। तो भूकंप को मापने का साधन जो होता है वो सिस्मोग्राफ होता है। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। तो बढ़ेंगे 45 नंबर क्वेश्चन को। 45 नंबर क्वेश्चन पूछा है पंचतंत्र हैज बीन रिटन बाय, यानी कि पंचतंत्र जो होता है वो किसके द्वारा लिखा गया था, आप लोगों को बताना है। तो पंचतंत्र जो होता है वो किसके द्वारा लिखा गया है, वो विष्णु शर्मा के द्वारा लिखा गया है। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। तो बढ़ेंगे 46 नंबर क्वेश्चन की ओर। 46 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि हॉकी टीम में कितने खिलाड़ियों का गठन होता है, यानी कि हाउ मेनी प्लेयर्स कॉन्स्टिट्यूट हॉकी टीम, जल्दी से बताएगा। तो हॉकी टीम में खिलाड़ियों का गठन जो होता है वो 11 होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। तो बढ़ेंगे 47 नंबर क्वेश्चन की ओर। 47 नंबर क्वेश्चन एकदम शानदार सा क्वेश्चन पूछा है वेयर इज ग्रीन पार्क स्टेडियम लोकेटेड, यानी कि ग्रीन पार्क स्टेडियम कहां पर अवस्थित होता है, जल्दी से बताएगा। तो ग्रीन पार्क स्टेडियम जो स्थित होता है वो कानपुर में स्थित होता है। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। तो बढ़ेंगे 48 नंबर क्वेश्चन की ओर। 48 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि अमेरिका का पहला राष्ट्रपति कौन था, आप लोगों को बताना है। तो अमेरिका का पहला राष्ट्रपति जो था वो जॉर्ज वाशिंगटन था। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे फौजी भाई लोग ऑप्शन सी बताए हैं उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 49 नंबर क्वेश्चन की ओर। 49 नंबर क्वेश्चन बोलने से पहले मैं आपको बोल दे रहा हूं, अगर आप में से किसी भी बच्चे को पीडीएफ लेना है तो आप 50 रुपए पेमेंट कर देना इस नंबर पे, गूगल पे या फोन पे या पेटीएम के जरिए इस नंबर 50 रुपए पेमेंट करके इस पेमेंट का स्क्रीनशॉट लेकर के इसको व्हाट्सएप पर सेंड कर देना है। आपको 24 घंटे के अंदर अंदर पूरा पीडीएफ मिल जाएगा, पूरा एकदम स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, जिसके आर्मी का एग्जाम आप लोग आसानी से निकाल पाओगे मेरे भाई। तो आप लोग पूरा ईमानदारी के साथ पढ़ते हो पीडीएफ लेकर, तो आपका 45+ कोई नहीं रोकेगा, मैं आपको गारंटी देता हूं मेरे भाई, मैं एक्स्ट्रा कुछ नहीं बोलूंगा इसके बारे में। तो आपको अगर आपको लेना है तो आप इस नंबर पर जरूर एक बार ट्राई कर लेना। तो 49 नंबर क्वेश्चन एकदम शानदार सा क्वेश्चन पूछा है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी, जल्दी से बताएगा। तो व्हेन वाज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश्ड, यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी। तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना जो हुआ था वो 1935 में हुआ था। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। तो बढ़ेंगे आज के लास्ट क्वेश्चन को। लास्ट क्वेश्चन पूछा है येन इज द करेंसी ऑफ व्हिच कंट्री, यानी कि येन जो होता है वो किस देश की मुद्रा है, जल्दी से बताएगा। तो येन जो होता है वो किस देश का मुद्रा होता है, येन जो होता है वो जापान का मुद्रा होता है। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे साथी लोगों ऑप्शन डी बताए हैं उनका एकदम राइट है। तो हो गया आप लोगों का एकदम शानदार सा जीके और जीएस का 50 क्वेश्चन का मॉक टेस्ट पेपर। आप लोगों को पूरी ईमानदारी के साथ बताना है कि किनका किनका 40+ इस टेस्ट में हुआ है। अगर आप लोगों को पीडीएफ लेना है तो आप इस नंबर पे गूगल पे फोन पे पेटीएम के जरिए 50 रुपए पेमेंट कर देना, आपका पीडीएफ मिल जाएगा 24 घंटे के अंदर। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो जरूर आप लोग एक बार ट्राई करना। अगर हर रोज पढ़ना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो पसंद तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना, और जो कल का वीडियो आएगा वो फौजी सर लेंगे, तो फौजी सर से पढ़ना है तो चैनल को
सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।